बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने बोला कि हाँ उनकी डेथ नहीं हुई है, उनको हॉस्पिटल लेके गए, करंट लगा है, हो सकता है उनको भेजने के बाद उन्होंने अपना शूट शुरू किया कि हाँ वो बच जाएंगे। हाँ, एक दिन की छुट्टी तो भैया दे सकते थे कि नहीं यार एक दिन का मौन तो रख लो यार। हाय, दिस इज शहजादा थामी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट्स। जैसे आपने जब बताया कि जो भी इश्यूज हुए, इट इज नॉट यू, यू नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव वर्कड विद द डीकेपी टीम, उन्होंने अपने अपने बताया कि हाँ इश्यूज हैं, वेदर इट इज सुधांशु पांडे, वेदर इट इज पारस कलनावत। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे अनुपमा का एक क्रू मेंबर, ओके, ही लॉस्ट हिज लाइफ, आई थिंक वो कोई कैमरा मैन थे, और जो फेडरेशन जो ये सब देखते हैं, यू नो क्रू मेंबर का एक फेडरेशन होता है, व्हाट दे फेल्ट बैड इज दैट कि उस अनुपमा की टीम ने शूटिंग नहीं रुकी, मेडिकल असिस्टेंट सब दिया बट शूटिंग नहीं रुकी। और फिर से एक बार क्वेश्चन आया कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज दिस जिसने शूटिंग तक नहीं रुकी बिकॉज़ अ क्रू मेंबर लॉस्ट द लाइफ। सो व्हाट डू यू वांट टू से, ऑन सेट ही डेथ हो गई थी? या आई थिंक कोई लाइटमैन थे, यू नो वायर पकड़े, कुछ तो ऐसा हुआ था, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया बट देन ही डाइड। नाउ दिस इज समथिंग ऑफ कोर्स वो किसी के हाथ में नहीं होता, बट व्हाट द फेडरेशन फेल्ड इज दैट कि उन्होंने शूटिंग भी नहीं रोकी एंड यू नो डे ऑफ भी नहीं दिया कि यू नो हमारा एक मेंबर चला गया, यू नो, एंड वो एक रहता है ना एक अंदर से। सो व्हाट डू वांट टू से ऑन दैट, दैट डज द प्रोडक्शन हाउस, दे आर प्रोफेशनल बट दे डू दे लैक ह्यूमैनिटी इन दैट सेंस? देखिए प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। बीइंग प्रोफेशनल में आप, आपकी जान चली जाए है ना, मैं अगर प्रोफेशनल हूं तो मैं प्रोफेशनलिज्म वहां पे छोड़ दूंगा, बोलूंगा नहीं यार किसी की जान जा रही है, एम्बुलेंस भी हमें रोड पे मिलती है ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ, एम्बुलेंस जाती है, मैं उसी वक्त गाड़ी साइड कर लेता हूँ कि नहीं किसी की जान जा रही है, राइट। हम सब लोग, हमें सब, पूरी दुनिया में ये रूल बनाया कि एम्बुलेंस को जाने दो, राइट राइट। बट अगर वो चीज वहां पे हुई, पहले तो मेरे हिसाब से तो शूटिंग रोकी जा सकती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट हो सकता है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने बोला कि हाँ उनकी डेथ नहीं हुई है, उनको हॉस्पिटल लेके गए, करंट लगा है, हो सकता है उनको भेजने के बाद उन्होंने अपना शूट शुरू किया कि हाँ वो बच जाएंगे, लेकिन वहां जाके उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो ये सिनेरियो भी एक हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से वो रखी वहां पे, फिर अब मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन या वो ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो बट इवन देन द शूट डिडंट स्टॉप, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हां, एक दिन की छुट्टी तो भैया दे सकते थे कि नहीं यार एक दिन का मौन तो रख लो यार, राइट, कि कोई मरा है।